हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस लास्ट टू डिकेट्स से साउथ डेली में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लास्ट टू डिकेट्स का जो मेरा टीचिंग का और डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट का जो एक्सपीरियंस uh, है और जो क्लिनिकल डेटा है उसके आधार पर हम आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप खुद से अपना ख्याल रख पाएँ बीमारियों से बच पाएँ लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज़ देखी जाती है कि लोग थोड़ा सा सीरियस नहीं होते चीज़ों को लेके तो आप वीडियो पूरा देखिए आई कैन बेल हिट करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और आप जैसा भी महसूस करते हैं अच्छा बुरा इस वीडियो के बारे में वो हमें कमेंट से फीडबैक दीजिए ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन है एक ब्लैसिंगस है जो हमें काफ़ी मदद करता है अच्छा काम करने के लिए तो आज हम बात करेंगे कि जो हींग है उसके क्या हेल्थ बेनिफिट हैं हींग को यदि सही से यूज़ किया जाए उसका राइट यूज़ समझ लिया जाए और उसकी डोज राइट डोज यूज़ की जाए तो हींग के बहुत कुछ चमत्कारिक फ़ायदे हो सकते हैं हींग एक बहुत अच्छे रसायन और पेट के लिए अमृत की तरह काम कर सकता है लेकिन हींग की बात यह है कि आप उसका ओवर करना भी नुकसानदायक हो सकता है यदि आप हींग को ओवर कर लें तो आपको लूज मोशन हो सकते हैं और यदि आप हींग का राइट यूज़ करें तो उससे आपको गट संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक सब्साइड हो जाते हैं हींग के अंदर एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई मतलब उस तरह के बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है जिससे कि आपको प्रॉब्लम आए इसके अंदर आ, एक मतलब फाइबर होता है ऑयल होता है और ये फ्रेश डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह काम करता है बॉडी के अंदर ब्लोटिंग मतलब गैस को रिलीज़ करने में मदद करता है अब हम समझ लेते हैं कि जो हींग है उसका राइट right यूज़ क्या है और उसके बेनिफिट क्या हैं देखो अस्थमा में हींग का यूज़ किया जा सकता है ब्रोंकाइटिस में कफ को एक्सपेल आउट करने में कफ को सॉफ्ट करने में हार्ड म्यूकस को सॉफ्ट म्यूकस में कन्वर्ट करने में बहुत मदद करता है जो आपका ब्रोंकाइटिस होता है या अस्थमा होता है या फिर आपको दूसरी तरह के जो कफ होते हैं वो म्यूकस आपका स्टिकी हो जाता है चिपक जाता है आपके फेफड़ों में या पेट के अंदर वो अच्छे से बाहर नहीं निकल पाता तो यदि आप फूड में हींग का इस्तेमाल करें तो आपका जो कफ़ है वो सॉफ्ट हो जाएगा और वो इजीली एक्सपेल आउट हो जाएगा मतलब इजीली कफिंग होगा आपको आराम से निकल जाएगा और आपको कफिंग करने में तकलीफ भी नहीं होगी अल्सर में बहुत हेल्पफुल है स्टोमक पेन में ये आ, मतलब यूज़ कर सकते हैं ब्लोटिंग है आपको गर्ड है यदि आपको एसिड बहुत ज़्यादा है परफोरेट करता है ऊपर की तरफ जाता है और उससे आपको प्रॉब्लम होती है तो इंटेस्टाइनल जो पैरासाइट होते हैं यानी पेट के जो कीड़े होते हैं उसको भी किल करके रिमूव करने में मदद करता है फ्लूचलेंस मतलब गैस अफारा पेट दर्द इसमें लाभदायक होता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने में मदद करता है और जो आपके इस्पाज में जो पेट का दर्द है पोस्टर प्री मेस्टोल पेट दर्द में भी ये काफ़ी मदद करता है और ये इन्फ्लुएंजा के अंदर भी इसका यूज़ है लेकिन आ, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो आपका गट है उसकी जो जीआई आई मोटिलिटी है यानी गट का जो फंक्शनिंग है जो आपका डाइजेशन है या जीआई आई मोटिलिटी से मतलब होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने के अंदर जो जो चेंज आता है और जब खाना पूरा प्रोसेस हो जाता है एब्जॉर्ब हो जा हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है उसके बाद जो एक्सक्रीशन होता है उसमें पैरेस्टाइटल मूवमेंट यानी आंतों की जो मूवमेंट होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है तो ये जो इंटेस्टाइनल मोमेंट है उसको बढ़ाता है उसको रेगुलेट करता है उस कारण ये कॉन्स्टिपेशन को हील करने में मदद करता है इसके बाद है कि इसका सही यूज़ क्या है आप इसको गर्म पानी में मतलब ले सकते हैं 200 हंड्रेड एम एल वॉम वाटर में आप हींग को एक से दो चुटकी डाल के डिजोल्व करके पी सकते हैं बटर मिल्क यानी छाछ में के साथ ऐड कर सकते हैं और बहुत सारे फूड में ये ट्रेडिशनली ऐड किया जाता है जैसे कि लोग पराठे बनाते हैं या सब्जियों में भी कुछ खिचड़ी दलिए में या फिर जो सब्जियां होती हैं उसमें भी कुछ अमाउंट में हींग डाला जाता है और हींग हींगष्टव चूरण हींग गोलियाँ या हींग के बहुत सारे प्रपरेशन जो तो डाइजेशन को प्रमोट करने के लिए बाजार में आपको मिल जाएंगे और ये पहले से ट्रेडिशनली आयुर्वेद में एक प्राचीन काल से हींग को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को डील करने के लिए फूड के साथ एक मसाले के रूप में एक डाइजेस्टिव एंजाइम एक डाइजेस्टिव मेडिसन के रूप में यूज़ किया जाता है जिससे कि आपकी गट की हेल्थ को काफ़ी हद तक सब्साइड किया जा सकता है बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप इसको ओवर ना करें इसके ओवर करने से आपको लूज मोशन हो सकता है आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके अंदर कई बार क्या होता है फंगस यानी ही के खराब होने का भी रिस्क थोड़ा सा रहता है तो हींग को पाउडर के रूप में है या फिर वो सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड के रूप में है उसको आप ड्राई प्लेस पे रखें और थोड़ा सा फंगस का ध्यान रखें क्योंकि रेनी सीजन में हींग में कई बार फंगस भी हो जाता है तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है अदरवाइज हींग का कोई बहुत बड़े साइड इफेक्ट नहीं है यदि आप उसकी राइट डोज यूज़ करें इन्हें फूड और इन्हें वाटर तो आपके हेल्थ में आपके डाइजेशन में डायरेक्टली आपको मदद करता है थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योर सेल्फ